जी अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं जी। आज हम बात करेंगे W1209 के बारे में और मैनुअल थर्मोस्टेट के बारे में। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ठीक है। कोई मसला है तो उसको कमेंट्स में करें, इंशाल्लाह हल किया जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आए चलते हैं अब वीडियो की तरफ। क्या हाल चाल है, खैरियत से जी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जी W1209 की सेटिंग के बारे में। ये जी है जी अपना W1209, ये देखें जी, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी हम आपको सेटिंग के बारे में बताएंगे। ये 3-4 क्वालिटियों में आती है जी। हाँ जी, ये भी अच्छी क्वालिटी में ली है जी, ऐसी पैकिंग में आती है जी। ये देखें, ये W1209 देख सकते हैं जी भाई जान सब आप अपने। ये जी पैकिंग से निकाल ली, ठीक है जी, ये देख सकते हैं जी आप। अभी हम आपको इसकी कनेक्शन बताएंगे और सेटिंग के बारे में बताएंगे। उससे पहले ये सब भाइयों से गुजारिश है कि जिन भाइयों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है जी वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो उन तक बर वक्त पहुँच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे और उसको लाइक ज़रूर करिएगा जी भाई जान। ये जी W1209, इसको हमने केस वगैरह लगा लिया, ये देख सकते हैं जी आप। हाँ जी, ये इसका सेंसर आ गया जी। और ये जी इसकी अपना सप्लाई, ठीक है जी। मेरे पास ये बड़ी सप्लाई पड़ी हुई थी, ये देखें जी। हाँ जी, ये कंप्यूटर वाली ना, नहीं तो आप इसको अडाप्टर वगैरह से भी चला सकते हैं। ये मैंने अभी आपकी तौर पे कनेक्शन की है ताकि भाइयों को समझ आ जाए, ठीक है जी। ये दो इसकी वायर हैं जी। हाँ जी, ये जा रही हैं जी। ये अपना आ जाती है जी अपना जो फर्स्ट वाली है, ये आती है न्यूटन जी। साथ इसके आ जाती है फेस जी, जैसा कि आपको दिख रहा है ये 1209। अभी भाइयों को मैं साथ इसका टेम्परेचर किट कर अपना बल्ब लगा के चेक करवाऊँगा कि कैसे इसको सेट करते हैं जी। ये देखिएगा अभी इंशाल्लाह जी भाई जान। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कनेक्शन कर रहे थे, ये जी जैसा कि आपको पहले मैं बता चुका था, ये सप्लाई है जी पीछे से। ये अपना न्यूटन ये फेस आ गया और जी ये साथ आ जाता है जी हमारा, ये जो तीसरा ऑप्शन है जी इसमें हम लगाएंगे K1 में अपना इसकी जो है ना फेस जी, इसको डायरेक्ट देंगे पीछे से, ठीक है जी। ये जैसा कि आपको दिख रहा है वो फेस लगाएंगे। और ये जो दूसरी वायर है जी फोर्थ नंबर पे K0, इसको जी होल्डर के साथ, एक वायर होल्डर की उसके साथ चले जाएगी, ये जैसा कि आप देख रहे हैं जी। हाँ जी, ये देख, ठीक है जी। और एक वायर जो होल्डर की है जी वो इधर चले जाएगी अपना वो उसके अंदर प्लग के अंदर। एक जो है जी K1 की डायरेक्ट वायर जाएगी जी प्लग के अंदर और एक होल्डर की जो न्यूटन है वो इसके अंदर चले जाएगी, ठीक है जी। अभी हम इसको ऑन करते हैं जी। जी भाई जान, आए अब हम इसकी सेटिंग करते हैं जी। ये देखें जी, ये जो जी भाई जान, ये देखें जी अब हम इसकी सेटिंग करते हैं। ये जी इसका सेट का ऑप्शन है जी। हाँ जी, ये प्लस का और माइनस का, ठीक हो गया जी। ये अब हम इसको सेट करेंगे जी। ये हमने दबाया जी, ये ब्लिंक होने लग पड़ा जी। अभी हम इसको सेट करेंगे जी 37.7 पे। ये प्लस का ऑप्शन है जी, माइनस का सॉरी, ये प्लस का है जी। ये देख रहे हैं जी जैसा कि मैं कर रहा हूँ, ये जी 37.7 पे हमारा टेम्परेचर इसका सेट हो गया जी, ठीक है जी। अभी हम फिर इसके सेट के ऑप्शन को दबाएंगे जी, ठीक हो गया जी। अभी हम फिर इसके सेट के ऑप्शन को थोड़ी देर के लिए दबाएंगे, ये भी इधर आ जाएगा। ये P0 आ गया जी, जैसा कि आपको दिख रहा है जी। ये प्लस का ऑप्शन, सॉरी, ये अभी मैं दबाऊंगा जी दोबारा। जी भाई जान, ये हम प्रेस कर रहे हैं जी इसको, ये P0 आ गया जी। P0 के बाद फिर सेट के ऑप्शन को प्रेस करेंगे जी, हॉट, एच का मतलब हॉट है जी, आ गया जी। फिर हम इसको करेंगे जी सेट के ऑप्शन पे जाएंगे P0, फिर सेट के ऑप्शन पे जाएंगे, ये माइनस का जी P1 आ गया जी। इसको हम सेट करेंगे जी, फिर सेट के ऑप्शन पे करेंगे प्रेस जी, ये 0.3 पे हम इसको सेट करेंगे, ठीक हो गया जी। फिर सेट पे जाएंगे जी, फिर P1 आ गया जी। फिर हम इसको जाएंगे जी P2 पे,
ये P2 आ गया जी, माइनस को ऑप्शन के साथ P2 आ गया जी। P2 को फिर हम सेट का बटन प्रेस करेंगे, इसको हम सेट करेंगे जी 40 पे, ठीक हो गया जी। फिर हम सेट के ऑप्शन पे जाएंगे जी, फिर हम जाएंगे जी अपना P3 पे, फिर सेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर इसको हम जी 30 पे एडजस्ट कर देंगे जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है जी। फिर इसके बाद हम सेट के ऑप्शन पे जाएंगे, सेट के ऑप्शन को दबाने के बाद फिर हम माइनस पे जाएंगे, माइनस के ऑप्शन को दबाएंगे तो फिर P4 पे जाके सेट के ऑप्शन को दबाएंगे जी, इसको हम करेंगे जी 0.1 पे, ठीक हो गया जी। फिर हम इसके बाद जी इसको सेट कर देंगे बस। ये हमारी सेटिंग हो गई है जी, अभी हम इसको बल्ब लगाएंगे जी, फिर इसको चलाएंगे अल्लाह खैर करे जी। ये देखिए कभी आप, ये बस थोड़ा सा टाइम दे जी मुझे। ये जी हमारा बल्ब लग गया जी, अभी मैं इसको चलाने लगाऊँ जी। ये हमारी किट चल गई है जी, ये जैसा कि हमने सेटिंग की थी, जूम कर ये देखिएगा जी, अभी हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा जी, जी भाई जान ये जैसा कि आप देख रहे हैं। जी भाई जान ये देखें जी जैसा कि आप देख रहे हैं 38.7 पे, ठीक है जी। ये बंद हो गया, इसको हमने सेट तकरीबन 38.7 पे कर लिया था। अभी हम जैसे ही सेंसर को साइड पे करेंगे तो ये देखिएगा जी अभी चल पड़ेगा बल्ब, ये देखें जी ठीक हो गया जनाब, ये चल गया। और जैसे ही हम इसके पास लेके जाते हैं सेंसर को तो ये ट्रिप हो जाएगा, ये देखें जी 37.7 पे जाके ये ट्रिप हो जाता है, ठीक हो गया जी। ये देखिएगा जी अभी चल पड़ेगा, फिर जैसे ही कम होता है ये देखें जी 37.4 पे जाके चल पड़ता है, जैसे 2 पॉइंट कम होता है ये चल पड़ता है जी, ठीक है भाई जान। ये होगी जी हमारा W1209 की सेटिंग, ये आता जी हमारा टाइमर, और ये मैनुअल मशीनों में जो लगाते हैं जी, पित्तल को कैप्सूल कहते हैं इसको, प्लेटें भी कहते हैं जी, हाँ जी इसकी सेटिंग भी हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह जल्द। और ये है जी अपना 18 30 18 18, इसकी सेटिंग भी हम आपको बताएंगे जी इंशाल्लाह जल्द से जल्द, ठीक है भाई जान। तो जैसे ही अल्लाह खैर करे जी, बस आप सब्सक्राइब करिएगा तो इंशाल्लाह आप भाइयों के तावन के साथ हर चीज़ आप तक जो हमारे इलम है जी आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। अल्लाह खैर करे जी, दुआ में याद रखिएगा भाई।